नैतिकता का पार्ट आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया आपने शादी कर लिया आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया जितना हमने देखा तो उसके लिए आप गलत हैं आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और कृतिका हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी सात घर छोड़ करके वार करती है चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी मैंने सुसाइड करी और दूसरी बात मैं हिंदू हूँ आप शायद मुझे मुस्लिम समझती है मेरा नाम संदीप मलिक है इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा आप शादीशुदा थे फिर भी सात दिन में प्यार हुआ चीटिंग इज अ चॉइस चॉइस होती तो तो छोड़ छोड़ देता देता ना मैडम साथ थोड़ी रखता मैं तो ये को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता रखा तो दोनों को ना तो हर चीज ना अलग अलग होती है मेरे रिश्ते अलग है और किसी के अलग है मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ कुछ लोग नहीं चला रहे तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता इसको रखता पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है लेकिन क्लोजिंग कमेंट अरमान आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं आपने कहा कि आ, हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते फलाना ढिमाका विशाल को आपने बहुत कुछ कहा जी मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया आपने उससे शादी कर ली आप जवाब दे चुके हैं पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की शादी करके आपने आप जस्टिफाई करते हैं उसको बार बार जस्टिफाई करते कि

और कृतिका हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है तो आपने तो मतलब अपने आपने अपने मतलब अपनी फैम जो फ्रेंड है आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई सात दिन में कैसे हुआ आपने कैसे उनसे नंबर मांगा तो कहते ना वो वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके एक हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी तो फिर तो क्या मतलब आप बर्दाश्त करती तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉक में बता चुकी तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी और ठीक है मुझे प्यार हुआ मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ और हर किसी को प्यार होता है और अरमान जी ने मेरा साथ दिया और पायल की पायल का जो इस चीज के अंदर पूरा का पूरा हा था मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई तभी ये चीजें आगे बढ़ी तो भाई ये जो चीजें ये हमारी पर्सनल है हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब तो भाई ठीक है ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारी और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी मैंने सुसाइड करी मैंने अपनी चीज़ें खराब की मैंने मरने की कोशिश करी एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुके थे मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए हम तीनों अलग हो चुके थे अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में ये चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है मैं कह रही कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती हुँ. तो आप बर्दाश्त करती बस मेरा सवाल इतना है बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है तो देखो चीजें जब होती तब की तब मैं देखती बाकी जो पायल ने किया वो बहुत मुझे पता पायल ने सही किया है और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती थैंक यू मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा चिट भी मेरा पट भी मेरा ये कैसा गेम हो रहा है सात दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं और आप इस कॉमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो और आप खुद आ, सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो बॉडी शेम करते हो फेस शेम करते हो उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप शायद आप मैं बता देता हूँ शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था वो बॉडी शेमिंग नहीं थी पहले नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था ठीक है शीशो वाला, वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार देगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है सर इसे ही बॉडी कहते हैं सर चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको दिस्टर... आपको कितने जन को लगता है सबको वही लगता है वही बॉडी चलो सबको सबको लगता है चलो सबको लगता है ठीक है और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी ठीक है मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे हाँ, ये बोला ये था। में आता है सर। सर मुझे चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैंने ये बात उसको भी बोली थी अंदर भी बोली थी लेकिन और... आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी नहीं, नहीं अंदर जब मेरे सामने आई थी और थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही कर लेते सर और कृतिका जी आप बताइए आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से सर वो सुंदर एक सेकंड सर बात क्या हुई थी जब पार्ल शो पे आई थी सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बत, बुलाया था तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना वो बहुत ही वियर चीज थी ठीक है वो अचानक से वो जो चीज़ आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है सब फ्रेंड है सब भाई वो एक चीज़ चेंज हो गई थी तो बस वो चीज़ के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूंगी और उससे पहले तो सब कुछ सही था पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज गलत थी तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज तो गलत लगेगी ना और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ आपने बोला चलो मैंने उसको बोला उसके बाद अंदर सोरी बोला मैंने बोर्डिंग शेमिंग की और जो रोज मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला इसको पढ़ना लिखना नहीं आता मेरे सामने तो कोई नहीं, है, सोरी बोला नहीं। ये फेल बोला जैसे फेलवी सुल्तान मुझे बोलती है थुलतला इसको मैसेज नहीं आता या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी क्योंकि मैं लड़का था ना उसी पे कुछ कहना चाह रही है बताइए मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरे मेरी पावर है वो लेने की आपको मैं बोलती आप वो अंदर ले सकते हो वो लड़की वैसी नहीं है शी कूड टेक इट तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते छोड़ ना तो इसको इतना सीरियस मत ले बट वो लड़की वैसी थी यू you नो know?

बोलना गलत था तो ऑब्वियसली बात है ना साई यही सोचेगा ना कि गलत था आप समझिए सामने बोलना और कान में बोलना और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है इन दोनों में फ़र्क है ठीक है सर वो बाहर जाकर एक बार मैं देख लूंगी वो चीज़ें जरूर देखूंगी बट आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो अचानक से आपके घर वाले आते हैं उसके बाद जिसको जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है किसके दिमाग में क्या है मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी ऐसा तो है नहीं नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं थी मेरा जो सबके सबके साथ साथ था वो साथ था वो सेम रिएक्शन और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे इससे बात मत फिर मत कर कर या फिर आज से चार दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं और चार दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे डिबेट वाली बात पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ किसके साथ मत बैठ यहाँ तक कि हम एक बेड पे सोते हैं वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीजों को लेकर के बाद बोला था, बात अब नहीं सर अब भी बोला जब ये ऊपर बातें करे तब इन्होंने मुझे नहीं है अभी तीन दिन पहले की बात है सर अरमान यू भी आप जस्टिफाई करते जा रहे हो की आपने दोनों को रखा है बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते है लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे हाँ जिस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे मैडम कुछ रिश्ते वो ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होता और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ और बार बार सफाई नहीं दे सकता और दूसरी बात मैं हिंदू हूँ आप शायद मुझे मुस्लिम मुझे समझते हैं मेरा नाम संदीप मलिक है और ये जो अरमान मलिक है ये चौदह साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कन्फर्म हो गई यहाँ भी वहाँ भी तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं बहुत स्मूथ चल रही पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी मरने तक की नौबत आ गई थी वो चीज़ें किसी को नहीं पता क्योंकि ना कहानी लंबी होती है दो चार एक दो घंटे में हम नहीं सुना सकते उसके लिए क्या ना चीजें हमने भुगत ली है पर आप सही चल रहा है को आप पूछ रहे तो क्या नाम दू तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा हाँ लेकिन लड़कियाँ जो होती है ना बड़ी जल कुकड़ियां होती है जी तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं तो दोनों में से किस बीबी को सपोर्ट करते हैं मैम देखो आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है एक बार नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे वो अपने घर थी अपने घर थी मैं अलग था डेढ़ साल के लिए अलग हो गया थे और बात रही गेम की अगर ये विनर है पायल विनर है या मैं विनर हूँ या फिर यहाँ तक हम आए हमारे लिए इतना काफ़ी खैर इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते रेडियो सिटी रेडियो सिटी रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी